हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। हमारे साथ हैं गोविंद भाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बोलेरो पिकअप लेते हैं तो कौन कौन से टैक्स लगते हैं। आप ही लोगों के कमेंट आए थे कि भाई ऐसा बताइए कि हमें कौन कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं अगर हम अदर स्टेट में चलाते हैं, अगर इंडिया में कहीं भी आप भाड़े पर ले जाते हैं तो कौन कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं। तो उसी पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छा गोविंद भाई, ये बताइए कि अगर बोलेरो पिकअप लेते हैं या कोई भी पिकअप लेते हैं तो भाड़े पर जब चलाते हैं, कहीं जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो मतलब कौन सा ऐसा टैक्स भरने पड़ते हैं अदर स्टेट के लिए? अदर स्टेट के लिए वो तो मतलब मान के चलिए, जैसे मेरी गाड़ी है, अपन लोग एमपी के हैं, गाड़ी यूपी पासिंग है, तो एमपी का टैक्स है, जो एमपी सरकार का टैक्स है वो अपन को भरना पड़ता है। मान के चलिए जैसे गाड़ी अपनी यूपी की है, यूपी पासिंग है, तो इसका तो वन लाइफ टैक्स भर गया, ठीक है। अब इसके बाद अदर स्टेट में जाएंगे, मान के चलिए ये तो गाड़ी अपनी यूपी की है, एमपी में अपन चला रहे हैं तो एमपी का बनना। इसके अलावा अपन अगर दिल्ली जाते हैं या राजस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं, कहीं भी मान के चलिए किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो हर राज्य का अलग अलग अपन को टैक्स भरना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक दिन के लिए चाहिए या दो दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, या परमानेंट चला रहा है तो पूरे महीने का अपन कर सकते हैं। अच्छा मतलब जैसे अगर कहीं स्टेट में आपने गाड़ी ली जहां आप रहते हैं, तो वहां का वो टैक्स ऑल लाइफ के लिए होता है? वहां का टैक्स ऑल लाइफ रहता है। और जैसे अदर स्टेट में जाते हैं तो उसका टैक्स लगता है, उसका फिर टैक्स तो अपन करवा सकते हैं? जैसे हफ्ते का करवाना है या मंथ का करवाना है तो उसमें वैसे अगर जैसे अदर स्टेट का अभी कितना लगता है, जैसे अभी जैसे यूपी की गाड़ी है एमपी में चलाते हैं तो कितना लगता है इसका? अब जैसे मेरा अभी एमपी का लग रहा है, ये यूपी पासिंग है गाड़ी, एमपी का टैक्स भरना पड़ता 500 रुपये लगता है, ठीक है। मान के चलिए 381 रुपये की वो रसीद देते हैं, बाकी जो 120-119 रुपये रहते वो मतलब रख लेते, वो अपना कटाई मतलब कंप्यूटर से निकालने का ले लेते। तो ये जैसे ये टैक्स है तो ये अपन ऑनलाइन की दुकान पे करवा सकते हैं इसको? हाँ, कहीं भी ऑनलाइन की दुकान रहती, यूपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन की, वो तो हर राज्य में अपनी अपनी ऑनलाइन दुकान रहती तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान के चलिए ऑनलाइन की दुकान नहीं मिल रही, तो जहाँ भी जा रहे वहाँ बॉर्डर तो होगा ही, बॉर्डर से 5-10 किलोमीटर पहले दुकान आपको ज़रूर मिल जाएगी, हर बॉर्डर पर भी रहती है। और जैसे कोई टैक्स, जैसे गाड़ी का जैसे कोई ईयर वाला कोई टैक्स है, जो क्योंकि इसकी येलो प्लेट है ना, जो भी जैसे गाड़ी जैसे चलती है भाड़े पर या कुछ जैसे सवारी के लिए, तो उनकी येलो प्लेट रहती है, तो उनमें वैसे कौन सा टैक्स लगता है? जैसे मान के चलिए ये पीली नंबर प्लेट है आपने बताया, तो ये है कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। तो इसमें अपन को सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी की होती है फिटनेस, जो अपनी पर्सनल गाड़ी रहती उसमें कोई भी अपन को टैक्स नहीं लगता है, मतलब बीमा लगता है सीधा सा, उसमें बीमा और रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। इस गाड़ी में अपनी फिटनेस होती है, मान के चलिए ये कंपनी से अपन ने गाड़ी ली थी तो इसकी 2 साल की फिटनेस मिली कंपनी की तरफ से। अब अगर अपन फिटनेस कराते हैं तो 1 साल के लिए मिलेगी अपन को फिटनेस, मतलब हर साल करानी पड़ेगी। तो कितने की होती है वो फिटनेस, कितने की होती है जैसे अभी करवाते हैं आप, तो कितने पैसे लगते हैं वैसे? अभी ये तो मान के चलिए गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। मान के चलिए अगर 5 साल की गाड़ी हो गई तो वही 3,2800 रुपये के समथिंग लगेंगे फिटनेस के, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें 50 रुपये डे ड्यू चार्ज लगता है, जैसे अपनी आज की डेट में फिटनेस ख़त्म हो गई और अपन ने 10 दिन या 15 दिन नहीं करवाई, तो उसमें 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगती है। अच्छा अच्छा और कोई जैसे कोई टैक्स वगैरह, जैसे प्रदूषण हो गया, जैसे प्रदूषण भी इसमें रहता होगा? इसमें मान के चलिए जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, कॉमर्शियल व्हीकल है, इसमें टोटल कागज लगते हैं, सबसे पहले तो हो गया रजिस्ट्रेशन, दूसरी चीज़ हो गया इंश्योरेंस, तीसरी चीज़ हो गई आपकी फिटनेस, ठीक है, और चौथा हो गया आपका प्रदूषण। ये अपन को चाहिए ही चाहिए है, कहीं पे भी चलाएं, अपने स्टेट में चलाएं या दूसरे स्टेट में, अगर अदर स्टेट में जा रहे दूसरे में तो उसके लिए अपन को वहाँ का टैक्स लेना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का टैक्स करवाना पड़ता है, जब भी आप बॉर्डर पार करते हैं तो बॉर्डर के पहले भी आपको दुकान मिल जाएगी, वहीं से आप अदर स्टेट का आप टैक्स कटवा सकते हैं। वो अलग अलग रहता है, कहीं का 500 तो कहीं का 600, सबका अलग अलग रहता है। तो आप 7 दिन के लिए कटवा सकते हैं, महीने के लिए करवा सकते हैं, जितना आपको जाना है। अगर आप जैसे डेली जाते हैं, महीने में 4-5 बार जाते हैं, तो
आप करवा सकते हैं जो आपको ठीक लगे कि आप कितनी बार जाते हैं अदर स्टेट में। और अच्छा एक बात बताइए, जैसे कहीं भी जैसे मतलब टैक्स करवा लिया, जैसे कहीं भी आपको जाना है तो मतलब कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? जैसे ये डीजल वाहन है, मान के चलिए जैसे अभी फिलहाल में है तो दिल्ली में डीजल गाड़ी अलाउ नहीं है, वहाँ पे सीएनजी चल रही है। गुजरात में भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे मतलब सीएनजी है, वहाँ पर ये डीजल गाड़ी नहीं ले जा सकती। मान के चलिए जाना है तो उसके लिए अपन को जो मतलब जिला की सीमा रहती है, शहर की सीमा रहती है अपन मान लीजिए, तो वहाँ पे अपन को परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है, हर चीज़ में परमिशन लेनी पड़ रही, ऐसे पहले डीजल गाड़ी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैं जैसे अभी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने मतलब लॉकडाउन के पहले की बात है, मैं दिल्ली गया था, यही डीजल गाड़ी लेके गया था, तो वहाँ पे उनने सबसे पहले तो 130 रुपये की प्रदूषण की मतलब काटी थी पर्ची, और 1300 रुपये की उनने एंट्री की थी पूरी रात भर के लिए। वो बोले मतलब रात भर में आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो डीजल गाड़ी ले जाके, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिन में वहाँ गाड़ी खड़ी करोगे या मिलोगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा आपको, क्योंकि डीजल गाड़ी दिल्ली के अंदर अलाउ नहीं है, ओनली बड़ी गाड़ी अलाउ है। जैसे मान के चलिए ठेला एला एक ट्रक हो गया, ये गाड़ी वहाँ चल सकती है डीजल में, बाकी छोटी गाड़ी कोई भी हो, बस हो गई या अपनी पर्सनल गाड़ी है, ये सब सीएनजी या गैस उससे पेट्रोल से चलते हैं। मतलब अगर जैसे आप दिल्ली ले जाते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे गोविंद भाई ने बताया है। और जैसे जहाँ आप डीजल वाहन ले जा सकते हैं कोई भी, तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं, बस आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा जैसे अगर अदर स्टेट में जा रहे हैं। और जैसे कोई भी जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह और कोई तो नहीं करवाना पड़ता कुछ भी ऐसा? नहीं, वैसे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बाकी फिर वो तो पुलिस वालों का काम है, वो आपको एक ना एक कमी तो बता ही देंगे। अब आपका ये नहीं है, मान के चलिए अभी मैं गया था कानपुर, तो कानपुर में वो सीधी सी बात बोल रहे थे कि आप जूते नहीं पहने हो, ये कोई नियम थोड़ी ना है कि आप ड्राइवर ही करोगे तो जूते पहनना पड़ेगा। ये तो पुलिस वालों को उनको 100-200 रुपए चाहिए खर्चा के लिए, तो वो आपको किसी भी तरह से रोक लेंगे और आपको देना पड़ेगा। और जैसे किसी ने न्यू गाड़ी ली है तो वैसे क्या चेंजेस करवाने पड़ते हैं, कुछ काम करवाना पड़ता है उसमें? न्यू गाड़ी के लिए अपन ने पहले भी वीडियो में बताया, हर बार बताते हैं कि अपन न्यू गाड़ी लेते हैं, हाफ डाला में लेते तो सबसे पहले तो बॉडी फुल करवानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके बाद कमानी बढ़वानी पड़ती, पटा जो होते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने बताया भी था, उसमें देख सकते हैं अपन कि पटा अपन को मान के चलिए 1.3 है, इसमें 13 क्विंटल तक वजन आराम से लोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को 20 या 25 क्विंटल या 3 टन के समथिंग लोड करना है, तो उसके लिए 3 या 4 पटा बढ़वाने पड़ेंगे। और इसके अलावा कोई मतलब ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ और कोई नहीं है, बाकी सब ये अपने हिसाब से, आपको बम्पर बनवाना है या आपको डैक लगवाना है या केबन में डेकोरेशन करवाना है, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को गाड़ी में करवाना क्या है। बाकी लोडिंग के हिसाब से केवल आपको कमानी और बॉडी के अलावा कोई काम नहीं है। जैसे 13 क्विंटल से जैसे कम ही जैसे उसमें वजन लोड करना है, जैसे 13 ही क्विंटल हो गया, 12 क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल, इसके आगे नहीं करना है, तो वैसे पटा बढ़वाना कोई ज़रूरी बात नहीं है? जैसे नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, मान के चलिए आपको 10, 12 या 15 क्विंटल भी चलाना है, 15 क्विंटल तक कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही गाड़ी चला सकते हैं। अगर जैसे आप 15 क्विंटल से अगर ऊपर चल मतलब आप उसमें लोड करती हैं वजन, तो उसके लिए आपको बॉडी बनवानी पड़ेगी और पटा भी बढ़वाना पड़ेगा, जैसे गोविंद भाई ने बताया कि 3-4 पटा बढ़वाने पड़ते हैं। और वैसे कुछ भी काम नहीं है कि आप और कुछ करवाएं, लेकिन जैसे अपना जो हो गया जैसे बॉडी का हो गया, तो जैसे बम्पर, तो जैसे वैसे ज़रूरी है क्योंकि जैसे लोडर गाड़ी है तो इसके लिए ज़रूरी है बम्पर। और भी कई सारे हैं जैसे डेकोरेशन का सामान हो गया, ये तो नॉर्मली चीज़ है, जिसको लगवाना लगवाओ, नहीं लगवाना ना लगवाओ। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और जैसे आप ही लोगों ने ये पूछा था कि भाई कौन कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं, क्या क्या भरने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ बताइए, तो गोविंद भाई ने सारे बता दिए, क्लियर कर दिए हैं कि इतने इतने ऐसे ऐसे टैक्स भरने पड़ते हैं, इतने इतने रुपये के मतलब भरते हैं, तो सारा कुछ बता दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। अच्छा, तो गोविंद भाई एक बात और बताइए, जैसे अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं या पिकअप लेते हैं, तो मतलब क्या क्या अभी तक मिला जैसे जैसे आपको पिकअप के साथ गाड़ी में? मुझे जैसे मान के चलिए सबसे पहले तो अपन को टूल बॉक्स में एक भीलपाना मिलेगा, एक जैक मिलेगा, और म्यूजिक सिस्टम
कई लोग देते भी हैं, कई लोग नहीं देते, ये शोरूम वालों के ऊपर रहता, कई लोग दे देते हैं नहीं भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने न्यू गाड़ी में जो कागज मिलते हैं वो अपन को इंश्योरेंस मिलेगा 1 साल के लिए, फिटनेस मिलेगी 2 साल के लिए, ठीक है। और न्यू गाड़ी में कोई भी न्यू गाड़ी अपन लो उसमें प्रदूषण 2 साल तक कोई भी पुलिस वाला नहीं मांग सकता, ना ही कोई RTO मांग सकता अपन से कि इसका प्रदूषण कहाँ है, 2 साल तक कोई प्रदूषण नहीं लगता है, बस सारा कुछ यही है। हाँ यही। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। और अगर आपको इसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके सवालों से ही जुड़ी हर जानकारी पर वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर कोई भी जानकारी चाहिए बोलेरो पिकअप से लेके या कोई और वाहन से जैसे लोडर हो गया या कोई और हो गया, तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।